डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस UPRTUU। सबसे पहले हम देखते हैं MAPS 109, सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यूनिट 12, नेम गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आई एम कामना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर UPRTOU। इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में हम समझने का प्रयास करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो इस सबसे पहले हम देखते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद पूरा विश्व अमेरिका और सोवियत रूस के बीच बट गया। अमेरिका वाला खेमा पूंजीवादी नीतियों का समर्थन कर रहा था, जबकि सोवियत वाला खेमा समाजवादी नीतियों को मानने वाला था। उस दौरान तृतीय विश्व युद्ध के कई देशों ने एक ऐसे संगठन को बनाने का विचार किया जो किसी भी गुट को ना तो सहयोग करेंगे ना ही विरोध। इसी विचार के फलस्वरूप 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय एकता, सुरक्षा को साम्राज्यवाद, जातिवाद, रंगभेद, विदेशी आक्रमण, सैन्य हमले और हस्तक्षेप जैसे मामलों के विरुद्ध युद्ध के दौरान सुनिश्चित करना था। तो इसका उद्देश्य यही है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो उदय है तो वो उस दौरान हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और उस टाइम पूरा विश्व दो गुटों में बट चुका था, जिसका जो है पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका था और साम्यवादी गुट का नेता रूस था। तो ये दो गुटों में लोग बट गए थे। बहुत से राष्ट्रों ने जो है सदस्यता ले लिया था। कुछ पूंजीवादी गुटों का समर्थन कर रहे थे, कुछ साम्यवादी गुटों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे देश थे, विकासशील देश, जो कि गुलामी से नई नई उनको आज़ादी मिली थी। वो दूसरे देशों के जो गुलाम रह चुके थे और उसके भुक्त भोगी थे, शोषण का शिकार थे। रंग भेद, नस्ल भेद और जातिवाद, हिंसा, शोषण, ये सब चीज़ का शिकार हो चुके थे गुलामी के दौरान। तो जैसे ही आज़ादी मिली थी, नए दिन नए नए विकासशील देशों को आज़ादी मिली थी, तो उन्होंने यही सोचा कि अगर हम ये आज़ादी को हमको बनाए रखना है तो हमको जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, ना तो पूंजीवादी गुट में शामिल होना है ना ही साम्यवादी गुट में शामिल होना है। हमको जो है दोनों गुटों से अलग रह करके एक निर्गुट, मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना, गुट निरपेक्ष, निर्गुट। तो हम गुट निरपेक्ष रहेंगे और जो हम जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और अपनी एक अलग विचारधारा सबसे समन्वय बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने देश के विकास को आगे बढ़ाते रहेंगे और विकासशील देशों का एक अपना अपना गुट बनाएंगे। तो इसी सोच के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है जन्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया और इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बेलग्रेड शिखर सम्मेलन काहिरा 1961 के प्रारंभिक सम्मेलन के दौरान तैयार किए गए सदस्यता मानदंड से पता चलता है कि आंदोलन की कल्पना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक निष्क्रिय भूमिका निभाने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपनी निश्चित को बनाने के लिए की गई थी, ताकि इसके हितों को प्रतिबिंबित किया जा सके। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। समूह में वर्ष 2018 तक कुल 120 विकासशील देश शामिल थे। इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया गया है। तो बेलग्रेड सम्मेलन में जो है इसकी जो है उपज हुई और जो है यूगोस्लाविया सम्मेलन में इसका जो है उदय हुआ। वहाँ पर एक बैठक हुई, बैठक के दौरान जो विकासशील देश, जैसे कि जिसमें कि भारत भी शामिल था, और सब देशों ने मिल करके, विकासशील देशों ने मिल करके इसकी जो है रूपरेखा तैयार किया और विश्व राजनीति के तहत उन्होंने ये सोचा कि हम जो है
तटस्थ नहीं रहेंगे, यदि किसी के विरुद्ध इस तरह के किसी के साथ विश्व में किसी देश द्वारा किसी भी देश को जो शोषित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हम जो तटस्थ नहीं रहेंगे और जो हम उसमें जो है एक्शन लेंगे। तो इस प्रकार का जो विचार उन्होंने बनाया, और जो है अपनी स्थिति को जो है यथास्थित नहीं रखना है। जैसे कि विकासशील देश हैं तो उनको जो है विकासशील ही नहीं बने रहना है, विकसित होने के लिए उनको जो है आगे बढ़ना है और एक दूसरे का सहयोग करना है। विकासशील देशों के साथ ही जो सहयोगात्मक पूर्ण रवैया अपनाना है, और एक जो ग्रुप है, ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे और जो है आगे बढ़ेंगे, और तथा विकसित देशों के साथ भी हमारे अच्छे संबंध होंगे और जो है उनके साथ भी हमारे खराब रिलेशन नहीं होंगे। चाहे पूंजीवादी गुट हो, चाहे साम्यवादी गुट हो, हम सब से समन्वय बना करके आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों का मानना था। इसके बाद हम देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो इसको जो है जानने का हम प्रयास करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन तीसरे विश्व के देशों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने मिलकर इसकी शुरुआत की। 1961 में इसका गठन हुआ। पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की थी। तो हमारे देश के जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने और जो यूगोस्लाविया और जो मिस्र के जो प्रमुख राष्ट्रपति थे, तो इन लोगों ने इसकी रूपरेखा तैयार किया और जो है इस प्रकार से एक गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो है रेखांकित करने का प्रयास किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का तात्पर्य है कि हम जो निर्गुट रहेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, गुटबाजी नहीं करेंगे, तथा गुटों से अलग रहते हुए अपनी जो है हम अपने विकास को बढ़ावा देंगे, अपने अपने देश को जो है विकास करेंगे और अपने अपने देश का विकास करने के लिए समन्वय और सहयोगात्मक पूर्ण रवैया अपनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन शीत युद्ध के दौरान राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया था, जो औपचारिक रूप से खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि स्वतंत्र या तटस्थ रहना चाहते थे। समूह की मूल अवधारणा 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका वाणिज्य सम्मेलन में हुई चर्चा के दौरान उत्पन्न हुई। पहला नए शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ, जो कि मैंने इसको पहले भी बताया है, और 1961 में जो है इसकी रूपरेखा बैठ करके एक जो है प्रॉपर वे में तैयार की गई, और इसकी सोच की उपज 1955 में हुई थी। और इनको जो है आपस में समन्वय बनाते हुए तथा गुटबाजी नहीं करना था, गुटों का सहयोग नहीं करना था। जो पूंजीवादी और साम्यवादी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, वही राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए और जो है आपस में भी विकासशील देशों राष्ट्रों के साथ समन्वय बनाते हुए उन्होंने अपने अपने देशों का विकास करने का संकल्प किया। इसके बाद हम देखते हैं अप्रैल 2018 तक इसके 120 सदस्य हैं, जिनमें अफ्रीका के 53 देश, एशिया के 39 देश, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 26 देश और यूरोप, बेलारूस, अजरबैजान के 2 देश शामिल हैं। 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेम के पर्यवेक्षक हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जब ये इसका विकास हुआ था, जब इस गुट का जो है शुरुआत हुई थी, जब इस गुट की शुरुआत हुई थी 25 सदस्य थे। आज जो है लगभग 120 सदस्य देश हैं, विकासशील सभी देश, लगभग जितने विश्व में विकासशील देश इसमें हैं वो भी इस पे शामिल हैं, तथा इसके अतिरिक्त जो विकसित देश हैं उसमें से 10 देशों को हमने पर्यवेक्षक राष्ट्र का भी दर्जा दिया है, तथा 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रों को भी पर्यवेक्षक का हमने दर्जा दिया है। इसमें हम देखते हैं शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व व्यवस्था को स्थिर करने और शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब
वैश्विक मुद्दों पर राज्य की तटस्थता नहीं, यह हमेशा विश्व राजनीति में एक शांतिपूर्ण हस्तक्षेप था। तो सबसे ज़्यादा इसकी अहम भूमिका शीत युद्ध के दौरान समझ में आई। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना तो ये आपस में सहयोगात्मक पूर्ण रवैया अपनाते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दो गुटों में विश्व बट चुका था, एक पूंजीवादी एक साम्यवादी गुट था, तो उन गुटों में आपस में मनमुटाव हो गया था। तो हमने जैसा कि अपने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में हमने पहले ही कह रखा था, अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हम निर्गुट रहेंगे, गुट में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी के साथ इस तरीके से शोषण का शिकार किया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो हम वहाँ पे तटस्थ नहीं रहेंगे और जो हम निष्क्रिय नहीं रहेंगे और जो हम अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो इसी वजह से हमारी भूमिका उस टाइम सक्रिय हो गई थी, बहुत ज़्यादा सक्रिय। सक्रिय का मतलब सक्रिय तो थी ही, पहले से थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रिय उस समय हो गई थी जब विश्व में शीत युद्ध का दौर चल रहा था। शीत युद्ध, जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में मैंने इसकी जिक्र किया है, इसकी चर्चा किया है, विस्तृत चर्चा किया है। तो शीत युद्ध मैंने बताया है कि दोनों गुटों के बीच मनमुटाव था, वैचारिक एक जो है मतभेद था, और जो है एक वाक युद्ध था, शस्त्रों से युद्ध नहीं लड़ा गया था, तो यही कोल्ड वार था। तो कोल्ड वार के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जो कि विश्व जगत के लिए हानिकारक थी, और जो हानिकारक बहुत ज़्यादा बड़ी घटना में तब्दील हो सकती थी। मैं जैसे कि जब शीत युद्ध का दौर आया तो अमेरिका ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया और शस्त्र हथियार से लैस वैस अपनी शक्तियों को एकदम से बढ़ाना शुरू कर दिया, और उसकी ही प्रतिद्वंद्विता में सोवियत संघ ने भी अपनी शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जब प्रतिद्वंद्विता में एक की शक्ति को देखते हुए अगला गुट शक्ति बढ़ाता है तो आपस में वैचारिक वैमनस्यता उत्पन्न होती है। तो वैमनस्यता उत्पन्न होने लगी थी और विश्व जगत में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा हथियार की जो है सभी देश, विकासशील देश और विकसित देश, सभी देशों ने हथियार जो है रखना शुरू कर दिया था, परमाणु संपन्न बनने की होड़ लग गई थी। और इधर अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने अपने जो है शस्त्र वहाँ पे इकट्ठे करने का प्लान बनाया और इकट्ठे करना शुरू कर दिया, वो ये देखते हुए कि भविष्य में शस्त्रों से युद्ध हो सकता है, परमाणु युद्ध हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और जो है सोवियत संघ, इन्होंने अपने अपने हथियारों को बढ़ाना शुरू कर दिया। विश्व जगत में जो हथियारों की दौड़ लगी थी, जैसे कि विश्व में यदि कोई भी राष्ट्र अपने जो है आय का, इनकम का सबसे ज़्यादा भाग शस्त्रों में लगाता है, और स्कूल, कॉलेज, दवा, अस्पताल, डॉक्टर्स, इनको जो है इनके लिए खर्च नहीं करता है, तो वो देश जो है विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि विकास का मतलब ये नहीं है कि हम शस्त्र डेवलप कर लें, उद्योग धंधों का विकास कर लें, ह्यूमन डेवलपमेंट ना करें। तो जब किसी भी देश का टेक्नोलॉजी विकास हो रहा है और उद्योग धंधों का विकास हो रहा है, तो जब तक ह्यूमन डेवलप नहीं हो रहा है तो मानव को डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी, तभी ऑल ओवर माना जाता है कि उस देश का विकास हुआ है। तो हम जब शस्त्रों की दौड़ को बहुत आगे रखेंगे, उसको मेन एम पर रखेंगे, तो अन्य चीज़ों को हम जो है निग्लेक्ट करते जाएंगे, साइडलाइन करते जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे मतलब हमारे ही देश में नहीं, विश्व के इस प्रकार की अवस्था में, विश्व के सभी देशों में बेरोजगारी, भूखमरी और हिंसा, ये मारकाट, ये सब चीज़ अवस्था शुरू हो जाएगी और उस देश का विकास नहीं हो सकता है। तो इस समय बहुत ही सक्रिय भूमिका में ये गुट निरपेक्ष आंदोलन उतरा और अपनी सक्रिय भूमिका को दिखाते हुए दोनों गुटों के साथ समन्वय की भूमिका निभाया, और दोनों गुटों में समन्वय की भूमिका अपनी निभाते हुए समन्वय स्थापित करने का उसने प्रयास करना शुरू कर दिया। इसके प्रयासों का ही नतीजा था कि जो है शीत युद्ध का जो है विघटन हो गया, और जो है सोवियत संघ जो है उसका भी विघटन हो गया, और इस प्रकार से एक शीत युद्ध जो है समाप्त हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं
गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत क्या क्या हैं। चूंकि जवाहरलाल नेहरू संस्थापक सदस्य थे, इसलिए नेम के सिद्धांत काफ़ी हद तक पंचशील सिद्धांतों द्वारा निर्देशित थे। जैसे कि हमारी विदेश नीति में पंचशील सिद्धांत हैं, जैसे कि किसी के ऊपर आक्रमण ना करना और जो है हिंसा को ना अपनाना, अहिंसा को बढ़ावा देना और जो है एक दूसरे के राष्ट्रों को जो सम्मान करना और पड़ोसी राज्यों की एकता अखंडता को जो है बढ़ावा देना और आपस में सहयोगात्मक रवैया अपनाना, इस प्रकार की जो है हम चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो जब पंचशील सिद्धांत को जो हम ले करके चलते हैं, तो पंचशील सिद्धांतों को जो है विदेश नीति में शामिल करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। तो जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी विदेश नीति में जब रखा तो इसी बात को, पंचशील सिद्धांत को ही उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी उसको रखा। हम देखते हैं कि क्या क्या सिद्धांत हैं। नंबर एक, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित सिद्धांतों का सम्मान। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों में प्रमुख सिद्धांत ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, तो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर क्या कहता है कि विश्व की शांति के लिए स्थापित किया गया है और जो है सभी राष्ट्रों का सम्मान करना है, उसके विकास को बढ़ावा देना है। तो जो उसके उद्देश्य हैं, तो उसके उद्देश्यों को हमको क्या करना है, सम्मान करना है और उनके चीज़ों को बढ़ावा देना है हमको। और उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो यूनो है, तो हमको यूनो में अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो यूनो है तो उसमें हमको जो है अपनी आस्था रखनी है। अगला नंबर है, सभी राज्यों की संप्रभुता, संप्रभु समानता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इसका दूसरा जो है पंचशील सिद्धांत का है, हमको क्षेत्रीय अखंडता और एक दूसरे का सम्मान, पड़ोसी राज्यों का सम्मान और उसको बरकरार रखना है। हमको जो है उस पर अनावश्यक तरीके से आक्रमण नहीं करना, हस्तक्षेप नहीं करना है और किसी की अखंडता को हमको क्षति नहीं पहुँचानी है। और क्योंकि सभी राष्ट्र अपने अपने में संप्रभु होते हैं, संप्रभु का मतलब होता है कि अन्य राष्ट्र उस पर जो है हस्तक्षेप ना करेंगे और उसकी संप्रभुता, एकता, अखंडता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। तो अगला नंबर है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है उसमें कह दिया गया है, ये बात लिखी गई है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, विवाद होंगे, तो उनको हम शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे, ना कि हम युद्ध का रास्ता अपनाएंगे। युद्ध तो अंतिम हथियार है, युद्ध से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ जनधन की हानि होती है। इसलिए हमको जो है युद्ध का रास्ता अपनाना नहीं है और शांतिपूर्ण ढंग से हमको सभी मामलों का समाधान करने का प्रयास करना है। अगला है, देश और लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। हमको देश और देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो उनकी विविधता, हमको सम्मान करना है। ऐसा कभी नहीं है कि किसी राष्ट्र में यदि हिंदू हैं तो वहाँ पे कह दिया जाए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी राष्ट्रों में हैं। तो जहाँ पे कुछ राष्ट्र ऐसे होंगे जहाँ पे एक वर्ग की अधिकता होगी, तो इसका मतलब नहीं है कि वो जिस वर्ग की अधिकता है वो अन्य लोगों पर जो है शोषण करने लगे, अत्याचार करने लगे, तो ये कतई इसका मतलब नहीं है। चाहे जो माइनॉरिटी में भी जो होंगे, जो लोग होंगे, तो हमको उनका भी सम्मान करना है और उनकी भी स्वतंत्रता का हमको ख्याल करना है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी लिखा हुआ है, हमारे भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है, अनुच्छेद 29-30 में जो है इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में कि हमको जो है अल्पसंख्यकों के हितों का भी संरक्षण करना है। तो हमारी सरकार भी इसका बिल्कुल ध्यान देती है और इस प्रकार से कानून, नियम जो भी बनाते हैं कि सभी वर्गों, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और कभी भी ऐसा नहीं है कि एक वर्ग दूसरे पे अत्याचार करने लगे। ये हमारे जो है संविधान के ऐसा खिलाफ है, हमारी सरकारें इस चीज़ का कभी भी बढ़ावा नहीं देती, किसी भी देश की कोई सरकारें इस चीज़ का बढ़ावा नहीं देती। अगर बढ़ावा देती हैं तो ये गलत तरीका है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात पे जो फोकस करता है कि सभी धर्म जात के लोगों को जो है सम्मान प्रदान किया जाए और उनकी भाषा संस्कृत का भी संरक्षण किया जाए, किसी पर शोषण या जुल्म ना किया जाए।
अगला है, आपसी सम्मान और अधिकारों की समानता के आधार पर राज्यों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों में मौजूद मतभेदों की परवाह किए बिना साझा हितों, न्याय और सहयोग की रक्षा का प्रचार। तो अगला है इसका, आपसी सहयोग जो है, न्याय, हितों आदि की रक्षा करना है, इसका प्रचार प्रसार भी करना है हमको, और इस प्रकार से हमको दिखाना भी है कि हम सभी वर्गों के लिए हम जो है सम्मान करते हैं, उनका जो है उन पर भेदभाव नहीं करते हैं, अत्याचार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो है सरकारें इस प्रकार का कार्य करने के लिए तत्पर हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो इस चीज़ के लिए, इसके लिए बाध्य भी करता है। और मानवाधिकार इस प्रकार से जो है, जैसे लोगों का हनन, लोगों के अधिकारों का हनन होता है, तो शोषण होता है, तो उसके शोषण के खिलाफ मानवाधिकार का भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस प्रकार से इसकी स्थापना किया है, और भारत ने भी इसकी स्थापना किया है मानवाधिकार आयोग की। तो मानवाधिकार आयोग का क्या कार्य है, यही चीज़ देखना है कि भारत में कहीं है, विश्व में सभी जगह मानवाधिकार की स्थापनाएं की गई हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में। तो उनका यही काम है कि किसी व्यक्ति विशेष या संस्था द्वारा किसी पर यदि अत्याचार किया जा रहा है तो उस पर जो है जो अत्याचार करने वाला है उस पर एक्शन लिया जाएगा, और जो है जो मतलब शोषित है उसको जो रिलीफ दिलाया जाएगा, और जो है उसको प्रताड़ना से मुक्त कराया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं शीत युद्ध काल में गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो शीत युद्ध काल में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या क्या भूमिका निभाई थी, जिससे कि शीत युद्ध को जो है समाप्त होने में, समाप्त करने में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखते हैं, पहला है रंग भेद के विरुद्ध। रंग भेद की बुराई दक्षिण अफ्रीका जैसे अफ्रीकी देशों में बड़े बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। यह पहले सम्मेलन में ही एनएम के एजेंडे में थी। काहिरा में दूसरे नैम सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका की सरकार को रंग भेद की भेदभावपूर्ण प्रथा के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। विश्व में भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था, रंग भेद, जो वहाँ से जो कि विदेश से आए हुए थे तो वो गोरे थे, और वहाँ के प्रॉपर जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे तो वो काले थे। तो रंग भेद, नस्ल भेद, इस प्रकार से कहा गया था कि तुम लोग काले हो, गुलाम हो, और जो है तुम लोग को शासन करने का अधिकार नहीं है। तो इसके खिलाफ नेम जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जहाँ भी विश्व में कहीं भी उसने ये कहा था कि यदि कहीं भी रंग भेद के खिलाफ इस प्रकार से जो अत्याचार किया जा रहा है तो हम उसके खिलाफ रहेंगे, और अत्याचार को जो है समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इसका विरोध करेंगे, और वैश्विक स्तर पर हम इसका विरोध करेंगे। तो इसका जो है जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार के रंग भेद के जो शोषण के विरुद्ध जो है इस प्रकार का मूवमेंट चलाया था। इसके बाद हम देखते हैं निशस्त्रीकरण, गुट निरपेक्ष आंदोलन, बार बार शांति बनाए रखने, हथियारों की दौड़ की समाप्ति, अब सभी राज्यों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए सामने आता है। महासभा ने भारत में एक मसौदा प्रस्तुत किया जिसमें घोषणा की गई कि परमाणु हथियारों का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के विरुद्ध है और मानवता के खिलाफ अपराध होगा, इसलिए इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो गुट निरपेक्ष के जो नेतागण थे उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चूंकि इस प्रकार के जो है महासभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि जो है शस्त्रों की दौड़ बहुत ही हानिकारक है, इससे विश्व का विकास जो है रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, और जो है एक सीमित दायरे तक ही हथियार हमको रखने चाहिए, तो हम उसी बात को हम पक्ष लेते हुए और उसी बात का समर्थन करते हुए हम पूरे विश्व से अपील करते हैं कि शस्त्रों की दौड़ को रोक दिया जाए, और इससे शीत युद्ध के काल में जो है आपसी वैमनस मनमुटाव चल रहा था दोनों गुटों में बहुत ज़्यादा, युद्ध की अगर बहुत ज़्यादा मनमुटाव बढ़ जाता है तो वो जो है युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। तो युद्ध में कन्वर्ट ना हो इसलिए जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के लीडर्स ने जो है इसका भरपूर प्रयास किया था और कि जो है ये शीत युद्ध समाप्त हो जाए, शस्त्रों की दौड़ को कम किया जाए, और उन्होंने हवाला किसका दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सिद्धांत दिए गए थे कि परमाणु हथियारों को जो है कम करना है, तो जो है उसी का वो समर्थन कर रहे थे, और इस परमाणु हथियारों की दौड़ की आलोचना कर रहे थे, और पूरा प्रयास उन्होंने किया कि परमाणु हथियारों को जो हमको कम करना है।
इसके बाद हम देखते हैं एनएसएम में सुधार। अपनी स्थापना के समय से ही एनएम यूनेसी सुधार के पक्ष में था। यह अमेरिका और यूएस के प्रभुत्व के खिलाफ था। वह यूएनएसी और अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए तीसरे दुनिया के देशों का प्रतिनिधित्व चाहता था। वेनेजुएला में 17वें नाम सम्मेलन में सदस्यों ने यही मांग दोहराई। तो इस प्रकार से इसमें सुधार करने के लिए गुण निरपेक्ष आंदोलन ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद हम देखते हैं अगर किसी भी चीज़ में अगर देखा जाता है कि बहुत अच्छे काम हो रहे होते हैं तो कहीं कहीं कुछ त्रुटियां भी रह जाती हैं। तो हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन में कुछ हमने त्रुटियों को भी हमने देखा है, उसको भी हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि क्षेत्रीय तनाव को हल करने में विफल, तो क्षेत्रीय तनाव को कम करने में विफल रहा है। शीत युद्ध के युग में भारत और चीन पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय संघर्ष के कारण दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ गया। नैम इस क्षेत्र में तनाव से बचने में विफल रहा, जिसके कारण क्षेत्र में परमाणुकरण हुआ। तो इसकी हम जो है इसमें कुछ त्रुटि हम देखते हैं कि जो परमाणु हथियारों की दौड़ एशिया में हो रही थी, भारत पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति थी उसको कम करने में नाकाम रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन पूरी तरह से असफल हुआ है। बहुत से मामलों में सफल हुआ है, बहुत से मामलों में इसने जो है अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है और सफल रहा है। तो आगे देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के कार्य क्या क्या। गुट निरपेक्ष आंदोलन कार्य करता है, विश्व शांति का काम करता है, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का काम करता है, तीसरी दुनिया के देश संयुक्त राष्ट्र का समर्थन। तो विश्व शांति को बनाए रखने के लिए इसने जो है भूमिका निभाया है। यह अभी भी अपने संस्था सिद्धांत विचार और उद्देश्य यानी शांतिपूर्ण समृद्ध विश्व के स्थापना पर कायम है। इसने किसी भी देश पर आक्रमण पर रोक लगा दी है, निशस्त्रीकरण और एक संप्रभु विश्व व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता नैम इस सिद्धांत के साथ खड़ा है और हर राष्ट्र की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के विचार के साथ इस बार प्रासंगिकता साबित हुई है। तीसरी दुनिया के देश सामाजिक आर्थिक समस्याओं से लड़ रहे हैं क्योंकि उनका अन्य विकसित देशों द्वारा लंबे समय से शोषण किया जा रहा है। एनएम ने पश्चिमी आधिपत्य के खिलाफ छोटे छोटे देशों को एक रक्षक के रूप में काम किया है। संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, नैम कुल ताकत 118 विकासशील देशों से समझौता करती है और उनमें अधिकांश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं। यह महासभा 2/3 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए नैम सदस्य संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण वोट और रोधक समूह के रूप में कार्य करते हैं। इसकी प्रासंगिकता जो है अभी भी बनी हुई है। यह नहीं कहा जा सकता कि जो है शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। प्रासंगिकता इसकी अभी भी बनी हुई है। हम देखते हैं ये एक अवधारणा के रूप में नैम कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता है। मुख्य रूप से यह अपने सदस्यों की विदेश नीति को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इसे सामरिक स्वायत्त के रूप में देखा जाना चाहिए जो आज के समय की मांग है। नैम के सिद्धांत अभी भी राष्ट्रों के इस दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। नैम एक ऐसा मंच है जो जहां भारत अपनी नरम शक्ति का दावा कर सकता है, सक्रिय नेतृत्व प्रदान कर सकता है, बहुपक्षीय मंचों पर छोटे छोटे के लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है। गुट निरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों का सम्मेलन अक्सर गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर के सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। जून 2019 में आयोजित किया गया था। मंच का उपयोग वैश्विक मुद्दों के स्पेक्ट्रम के आम सहमत बनाने के लिए किया जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है एक जो है विश्व में अपनी जो है पहचान स्थापित करना चाहता है। छोटे छोटे मुद्दे जो विकासशील देशों के हैं उनको सॉल्व करते हैं और विश्व मंचों पर अपने जो मांगों को पुरजोर तरीके से रखते हैं। अगर हमें संगठन नहीं होगा, एकजुटता नहीं होगी तो हम विकासशील जो हम देश हैं तो विकसित देशों के सामने हम नहीं टिक पाएंगे और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से नहीं रख पाएंगे। और जो हमें लाभान्वित हमको होना है तो हम जो है लाभान्वित भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस गुट को हमको जो है मजबूती प्रदान करना है, इस गुट को बनाए रखना है और जो है सभी सदस्य देश एक पुरजोर तरीके से इस गुट को जो है बनाए रखते हैं।
तथा मजबूत कर रहे हैं, आपस जो सामरिक समस्याएं हैं आपस में सुलझाने का प्रयास करते हैं, इस गुट के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करते हैं। सारांश में हम देखते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। समूह में वर्ष 2018 तक कुल 120 विकासशील देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से यह जो है अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि जो है हमने जो है बड़े बड़े संगठनों को हमने तथा विकसित देशों को भी हमने पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, क्योंकि हम अलग थलग रह के अपने विकास नहीं करेंगे। हम विश्व के विकसित देशों से भी हम समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने देशों को भी हम विकसित बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरा संगठन है, मतलब कि विश्व में सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का है, तो उसके बाद दूसरे नंबर का गुटनिरपेक्ष आंदोलन संगठन है। तो ये टॉपिक आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।